ऑल राइट गाइस, तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोट स्टोन 200 ब्लूटूथ स्पीकर की, एंड इस वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। तो अगर इस स्पीकर की प्राइसिंग की बात की जाए तो नॉर्मल डेज में इसकी प्राइसिंग 1200 रुपये के आसपास रहती है, एंड अगर इसे आप सेल में परचेस करते हैं तो लगभग 1000 रुपये के अंदर आपको स्पीकर ईजिली मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू करूंगा एंड हम जानेंगे क्या ये बेस्ट स्पीकर है अंडर 1000 रुपीस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, पोर्टेबल एट पावरफुल एंड स्टोन 200 की ब्रांडिंग आपको नीचे पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको उनके कुछ स्लोगन्स मिल जाएंगे, पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। तो ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, शॉक प्रूफ वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर है, 3 वॉट स्पीकर आपको उसे मिलता है, एंड अप टू 10 आवर का बैटरी बैकअप आपको स्पीकर में मिल जाता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो स्टार्टिंग में हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है एंड एक कार्ड हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड इसके पीछे। इसके अलावा इसमें हमें 2 केबल्स मिल जाती हैं, एक ऑक्स केबल आपको उसे मिल जाती है, एंड इसके अलावा एक माइक्रो यूएसबी केबल आपको उसे मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए। तो अपने स्पीकर को हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्पीकर, जैसे आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर में है, एंड इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो स्टार्टिंग में आपको मेटालिक ग्रिल मिल जाती है इसमें, एंड पीछे की साइड भी एक मेटालिक ग्रिल मिल जाती है। इसके अलावा टोटली प्लास्टिक बिल्ड स्पीकर है एंड ये काफ़ी रगड़ है, हाथ में पकड़ने में फील होता है। इसके अलावा इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है, एंड आपको कॉल रिसीव करने के लिए एंड प्ले एंड पॉज करने के लिए भी एक बटन मिल जाता है इसमें। इसके अलावा इसमें आपको एक रबर स्ट्रैप मिल जाती है इसको कैरी करने के लिए। नीचे के पार्ट में आपको एक ट्राइपॉड माउंट मिल जाता है, जो हमें कमी देखने के लिए मिलता है ब्लूटूथ स्पीकर्स में। इसके अलावा इसके राइट साइड में आपको ऑक्स पोर्ट एंड माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। साथ ही इसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन मिल जाता है कॉल के लिए, एनी IPX6 सर्टिफाइड है, तो वाटर स्प्लैश है, एंड अगर आप इसे रेनी सीजन में यूज़ करना चाहते हैं तो इजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट मिल जाता है, एंड आप इसको 30 फीट तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको फटाफट से हम ऑन कर लेते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए आपको इसके पावर बटन को 2 से 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है, एंड इससे एक आवाज़ आएगी एंड इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करिए एंड ये कनेक्ट हो चुका है। तो अगर इस स्पीकर की बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 1500 mAh की बैटरी आपको स्पीकर में मिल जाती है, एंड लगभग 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको स्पीकर में मिल जाता है, जो एक प्लस पॉइंट है स्पीकर के लिए। तो अब हम इसमें एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इसके साउंड आउटपुट का। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करी जाए बेस की, जिसके हमारे इंडियन यूजर्स को खास तौर पे तलाश रहती है। तो ये 3 वॉट के स्पीकर के साथ आता है एंड 1000 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग है। तो अगर इसका प्राइस एंड पावर आउटपुट देखा जाए तो बेस इसका अल्टीमेट है। इसके साथ इसका ट्रिबल डिसेंट है एंड इसके वोकल्स क्लियर है, हद से ज़्यादा क्लियर नहीं बोलूँगा बट डिसेंट है। तो अब बात आती है आपको स्पीकर परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक स्पीकर परचेस करना चाहते हैं अच्छे बेस वाला, एंड एक बजट में आप स्पीकर परचेस करना चाहते हैं, एंड एक ऐसा स्पीकर परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिले, तो डेफिनेटली आप स्पीकर को कंसिडर कर सकते हैं। ये अल्टीमेट स्पीकर है एट दिस प्राइस पॉइंट। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टैकी, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।